चलिए ओके स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग आई होप आप लोग लाइफ में बहुत मजे कर रहे होंगे सारी बहुत सारी चीज इंजॉय कर रहे होंगे खेल रहे होंगे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होंगे तो चलिए इन सब के साथ साथ हम क्या करते हैं अपना एडिशन टॉपिक भी पढ़ते हैं सॉरी सप्रेक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि खेलने कूदने के साथ साथ हमें और क्या चीज़ें भी करनी पड़ती हैं पढ़ाई ठीक है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए आ जाइए अच्छा टॉपिक है हमारा सप्रैक्शन तो सप्ट्रेक्शन के नियम क्या करते हैं हम चीज़ों को अलग करते हैं उसे सेपरेट करते हैं ठीक है मान लीजिए मेरे पास आ, इस हाथ में ट्वेंटी चॉकलेट्स हैं मैंने उसमें से फाइव चॉकलेट्स दे दी अपनी सिस्टर को तो मेरे पास कितनी चॉकलेट्स बची आप बोले सर फाइव फिफ्टीन में से फाइव ट्वेंटी में से फाइव माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा वन आ जाएगा फिफ्टीन ठीक है तो यही चीज़ें हमें करनी है इसमें चलिए अब तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी बने जैसे हमारे पास रोजेस कितने थे सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रोजेस थे उसमें से कितने चले गए हमारे पास से टू तो हमारे पास क्या बचा टू चले गए तो हमारे पास कितने रोजेस बचे वन टू थ्री फोर ठीक है चलिए तो अभी क्या करते हैं यहाँ पे एक चीज और है अगर आप किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करेंगे आपके पास सिक्स रुटबॉल थे आपने किसी को कुछ नहीं दिया तो आपके पास कितनी फुटबॉल फुटबॉल रहेंगी एज एट इज जैसे पहले थी तो हमारे पास कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर चले अब उसके बाद आ जाते हैं नंबर लाइन तो नंबर लाइन में हमें जब भी सरप्रेक्शन करना होता है एडिशन में तो हम आगे जा देते हैं ऐसे लेकिन सरप्रेक्शन हम करेंगे बैकवर्ड पीछे की साइड जाएंगे ठीक है तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है आ जाते हैं एक्सरसाइज पर तो एक्सरसाइज में बोला गया है कि नाइन माइनस टू

यूजिंग द नंबर लाइन तो नंबर लाइन यूज कर है, सेपरेट करना है तो देखिए हमारे पास कितने हैं 18। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे 18 के पास पहुँच गए 18। अब यहाँ से क्या करना है हमें बैकवर्ड जंप करना है कितना 11। तो चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन हमारे पास आंसर क्या आ गया सेवन हम यहाँ पे लिख देंगे सेवन क्लियर चले उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो के लिए मैंने आप लोगों को बताया था तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी अप एंड डाउन में तो वो क्या होगी हमारी वर्टिकल लाइन और जब भी आपकी लाइन क्या होगी लेफ्ट से राइट right की तरफ जाएगी मतलब ऐसे ठीक है जो लेटी हुई होगी आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं ठीक है तो अब क्या होता है कि हमारे उसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि ओरिजॉन्टल कौन सी वर्टिकल कौन सी है तो मैंने ऐसे याद करता है वर्टिकल क्या बनता है वी तो वी की जो लाइन है हमारे पास वो कैस्ट्रीट है तो जो सीधी लाइन होगी वो क्या होगी वर्टिकल और जब हॉरिजॉन्टल उसके तो अपोजिट हो जानी है इसीलिए ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे हम सब करने वाले हैं तो डिजिट फॉर्म का डबल इंडिजिट्स चलिए ये तो हम तभी कर लेंगे तो हमारे यहाँ आते हैं सबट्रैक्शन पर सब्रैक्ट यूजिंग द हॉरिजॉन्टल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड है हमारे पास मतलब इस मेथड से तो सेवन माइनस टू बोला गया तो हमें लिखना है यहाँ पे आंसर तो देखिए सेवन में से अगर टू माइनस बनाया लाइन स्ट्रॉक कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसमें से कितने कट कर दीजिए टू बच्चे कितने उन काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइव ठीक है तो सेम यही करना है हमें वर्टिकल में तो वर्टिकल के लिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं दिस वन तो यहाँ पे हमारे पास एट माइनस फाइव तो पहले ड्रो कर लेते हैं एट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और कितने कट कर देते हैं फाइव तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव तो से कितने थ्री तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थ्री तो इस टाइप से आपको क्या करना है ये सारी चीजें कंप्लीट कर चलिए अगर हम ट्वेल्थ में से अगर जीरो माइनस करते हैं अगर हम किसी भी नंबर जीरो माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा एट सेल्फ मतलब सेम आंसर आएगा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइड द सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट फॉर फौल फॉलोइंग फ्लावर्स ठीक है फ्लावर पॉट्स रखेंगे कितने आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नाइन फ्लावर पॉट्स थे कितने माइनस कर दिए हमने माइनस का साइन होता है और इसमें कितने माइनस कर दिए हमने नाइन ही माइनस कर दिए तो जब भी सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो कुछ बचा ही नहीं ठीक है अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए ऐसे देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने ट्रीज़ हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट ट्रीज़ हैं टोटल उसमें से कितने काट दिए हमने माइनस कर दिए वन टू थ्री फोर हमने फोर माइनस कर दिए बचे कितने वन टू थ्री फोर ये बचे हमारे पास फोर आई होप आपको ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आप लोग सब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे अपनी नोटबुक्स में और अच्छे से खेल भी होंगे चलिए ऑल द बेस्ट मेहनत करते रहिए